आपको बता दें कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता बहाल कर दी गई है। इस वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी की है जिसमें राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाई थी जिसके बाद यहां पर लोकसभा सदस्यता राहुल गांधी की बहाल कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी की जिसमें साफ तौर पर यहां पर सदस्यता को बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं। तो राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता बहाल हो गई है। लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी की है जिसमें जानकारी दी गई है और फिलहाल लोकसभा सदस्यता राहुल गांधी की बहाल कर दी गई है। इसके बाद ये देखना है किस तरीके से कांग्रेस की तरफ से इस पूरे फैसले को देखा जाता है। फिलहाल आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाई थी। तो साफ तौर पर राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता बहाल कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाई थी जिसके बाद आपको बता दें कि यहां पर लोकसभा की सदस्यता राहुल गांधी की बहाल हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। विवेक, फिलहाल ये जो फैसला है लोकसभा सचिवालय की तरफ से, फिलहाल लोकसभा की सदस्यता बहाल कर दी गई है राहुल गांधी की, इस फैसले के बाद आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए अब संसद सचिवालय की तरफ से अभी सदस्यता बहाल कर दी गई कि हालांकि जिस तरीके से देखा जाता कि रोक लगा दी गई थी संसद में प्रवेश करने की नहीं इजाजत थी राहुल गांधी को, हालांकि अब संसद की तरफ से हरी झंडी दिखा दी गई है क्योंकि अगर कांग्रेस के बड़े नेता, क्योंकि राहुल गांधी का एक चेहरा प्रमुख चेहरा माना जाता है, मुख्य चेहरा माना जाता है, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो अपनी बातें नहीं रख पा रहे थे, जो ट्वीट के जरिए रख रहे थे और ट्वीट करके कह रहे थे, तो अब वो आमने सामने अपनी बात रख सकते हैं क्योंकि अगर उनको बात रखना था तो उसको अध्यक्ष का सहारा लेना पड़ता था, अपने जो सांसद सदस्य थे उनका सहारा लेना पड़ता था, लेकिन अब उनको नहीं लेना पड़ेगा, अब उस संसद से खुद ही जाकर अपनी बात को रख सकते हैं निष्पक्ष तरीके से। जी विशाखा, लेकिन विवेक फिलहाल देखिए इस फैसले को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कांग्रेस के लिहाज से क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव से पहले कांग्रेस चाहती थी कि राहुल गांधी की मौजूदगी सदन के अंदर हो। बिल्कुल, देखिए आप जो अविश्वास प्रस्ताव था उसको लेकर कहीं ना कहीं जो रखा था कांग्रेस की तरफ से जो बातें रखी गई थी, आज विश्वास पत्र पेश किया गया था, तो कहीं ना कहीं जो सरकार, देखिए अगर संसद की बात करें तो लोकसभा स्पीकर ने भी इसका वो ले लिया था कि संज्ञान में ठीक है, इस पर भी चर्चा की जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस चाहती थी कि राहुल गांधी को की जो बातें हैं, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, कहीं ना कहीं जो लोगों के बीच में गए थे तो अपनी बातों को रखना चाहते थे, तो जो सही इनकी रद्द कर दी गई थी तो वहां पर जाके अपनी बातें नहीं रख सकते थे, लेकिन अब बहाल हो गई है, संसद सचिवालय की तरफ से हरी झंडी दिखा दी गई है, अब राहुल गांधी खुद जाकर वहां पर अपनी बातों को रख सकेंगे, लोकसभा में अपनी बातों को कह सकेंगे। जी बिल्कुल, तो यानी कि साफ तौर पर देखिए विपक्ष का एक महत्वपूर्ण चेहरा जो है वो नेतृत्व के तौर पर कांग्रेस कर रही है, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का सदन में पहुंचना विपक्षी जो एकता है उसको भी मजबूत करता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा, देखिए राहुल गांधी के विपक्ष की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी एक कांग्रेस का बड़ा चेहरा है और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का एक अहम चेहरा माने जाते हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि जिस तरीके से गठबंधन जो हुआ है, महागठबंधन इंडिया नाम दिया गया है महागठबंधन को, तो कहीं ना कहीं जो गठबंधन का है तो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी है। अगर बात करें, देखिए सबसे बड़ी चीज यह है कि सभी दल अब एक हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जो इनकी अविश्वास पत्र है, क्योंकि सभी दलों ने एक होकर जो अविश्वास पत्र है वो पेश किया है, और सबसे बड़ी बात यह है जिस तरीके से जो मणिपुर हिंसा की बात अगर करी जाए, कहीं ना कहीं जो सदन में जो चर्चा होनी है, सदन में जिस तरीके से चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों ही सदन में जो विपक्ष के लोग हैं वो कार्रवाई होने नहीं देना चाहते, क्योंकि उसी के चलते कहीं ना कहीं जो सदन की कार्रवाई है। जब राहुल गांधी सदस्यता बहाल होने के बाद सदन में पहुंचते हैं तो क्या तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आती है? फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।